हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स का जो है अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कैसे करना है। अगर पहले से अगर आप किसी सीए के पास अपनी रिटर्न फाइल करवा रहे थे और इस साल अगर आप खुद करना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है अगर याद नहीं होता तो आपको रीसेट करना पड़ता है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कितने मेथड्स होते हैं बेसिकली पासवर्ड को रीसेट करने के और किस तरीके से आप जो है पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आपको फॉरगेट पासवर्ड रीसेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना पैन नंबर जो है रेडी रखना है। सिंपली आपको अपना पेज मारना है, पैन नंबर और अपना नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे आप कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने खुलते हैं पूरे के पूरे चार ऑप्शन। अब ये चार ऑप्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला आता है आपका आंसर द सीक्रेट क्वेश्चन। जी हाँ, तो यहाँ पे जब भी आप अपना इनकम टैक्स का जब आईडी बनाते तब आपको दो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। अगर आपको वो याद है, अगर आप उनका आंसर आपको पता है तभी आप इस मेथड के थ्रू जो है अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो आता है अपलोड डीएससी, जिसका नाम है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर। जी हाँ, तो अपलोड डीएससी का क्या मतलब था? डीएससी एक बेसिक डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक पैन ड्राइव की तरह आता है। उसको बेसिकली क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स के साथ में उस पैन नंबर के साथ में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके बेसिकली आप डीएससी के थ्रू अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको आगे मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। अब यहां पे मैं मोस्ट पॉपुलर मेथड की बात करूंगा, वो है यूजिंग द आधार ओटीपी। अगर देखिए सिंपली अगर आपका आधार कार्ड नंबर अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो आप ये ऑप्शन को इजीली जो है यूज में कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू करने पर आप चेक करेंगे कि आपका यहां पर आधार नंबर पैन कार्ड के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी करके आप सिंपली अपना जो पासवर्ड है जो है रीसेट कर सकते हैं। तो ये हुआ सबसे आसान तरीका। सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है यूजिंग ई फाइलिंग ओटीपी। इसका क्या मतलब है, लास्ट ईयर जब आपकी इनकम रिटर्न फाइल हुई थी अगर उस टाइम पे अगर आईटीआर के अंदर आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है तब ये मेथड जो है बेसिकली काम कर सकता है। तो सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू के बाद में यहां पे रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। आप यहां पे देख सकते हैं जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपका ऑलरेडी पिछले साल की आईटीआर के अंदर डला हुआ है वो आपको यहां पे दिख जाएगा। हो सकता है ये आप ही का नंबर हो, वरना मैक्सिमम केस के अंदर आपके सीए का या आपका जो टैक्स कंसल्टेंट उसका ये नंबर हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके ईमेल के ऊपर भी पासवर्ड जाएगा, एक डिफरेंट ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर के ऊपर भी एक डिफरेंट ओटीपी जाएगा। अगर दोनों ओटीपी का आप करेक्ट जवाब दे देते हैं तभी आगे जो है आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये मेथड तभी काम का है जब लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डला हो, तभी ये मेथड काम करेगा। अब बात करना चाहूंगा मैं डीएससी की। तो डीएससी के जैसे मैंने बताया कि एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो अगर मान लीजिए अगर आप एक डीएससी बनवाते हैं जिसके अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो मार्केट के अंदर 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के अंदर क्लास 2 का डीएससी बन जाता है 2 साल के लिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपना जो नया डीएससी है जो आपने बनाया है आपको पैन ड्राइव अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट करनी होगी। अपना जो डीएससी है सबसे पहले यहां पर एक डीएससी यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको रजिस्टर कराना होगा बकायदा और उसी के बाद में आप जो है अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये डीएससी का मेथड तभी एप्लीकेबल हो सकता है। और जैसे कि आपने मैंने आपको आधार का मेथड बताया, अगर ये काम नहीं करता, अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, या सेकंड मेथड अगर आपका पिछले साल की आईटीआर के अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी नहीं डला हुआ है तो तभी आपको डीएससी का मेथड यूज में लेना चाहिए। डीएससी का मेथड में जनरली जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि बेसिकली जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं, जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तैनात होते हैं, जिनको अलाउ नहीं होता कहीं भी बाहर जाने के लिए, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। क्योंकि अगर मान लीजिए उनके आधार कार्ड के अंदर उनका नंबर नहीं डला होता तो वो किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऊपर चेंज नहीं करा सकते क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता अपने कैंपस को बाहर छोड़कर जाने का, तो उनके पास में ये ऑप्शन नहीं रहता। सेकेंड थिंग, उनके लास्ट ईयर की रिटर्न में भी किसी टैक्स कंसल्टेंट का नंबर डला होता है और उनको वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं और या फिर वो अनअवेलेबल होते, तो उस केस में डीएससी का ही केवल उनके पास में एक ऑप्शन बचता है। उस केस में क्या होता है, हम लोग जो आर्मी पर्सन होते हैं उनका एक डीएससी बनवाते हैं, डीएससी बनवाने के साथ में हम उनका जो पासवर्ड जो है रीसेट कर देते हैं और एट द एंड जो है माय ऑनलाइन सीए उनके घर पे वो डीएससी डिलीवर कर देता है। तो गाइस ये मैंने आपको चार पॉपुलर मेथड बताया। अगर आपका भी पासवर्ड बेसिकली आप रीसेट करना चाहते हो, अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कर सकते हैं। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी लास्ट ड्यू डेट जो लास्ट ईयर मतलब 2000 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लास्ट ड्यू डेट है अगेन एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी लास्ट ड्यू डेट जो 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है और करंट ईयर की जो ड्यू डेट है वो भी 30 नवंबर तक है। तो आप डेफिनेटली दोनों सालों की इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक आराम से जो है फाइल कर सकते हैं। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।